चाहूंगा कुछ बीमारियों के बारे में। आप कुछ बीमारियों के बारे में मेरी मदद करें और फिर मैं बताऊंगा कि आप अपने घर में इन बीमारियों को दूर कर सकते हैं। आपके घर की जो मसालदानी है उसमें उसका इलाज पहले से डला हुआ है, जो हमारे जो पूर्वज हमारे ऑलरेडी हमें दे गए हैं, जिसका आज हम ज्ञान जिसका हमारे पास नहीं है, मैं उस ज्ञान को आज आपके बीच में कनेक्ट करने की कोशिश करूँगा। तो आप में से मुझे कुछ हेल्प करें और बताएं कि कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं, कौन कौन से डिसीजेस हैं, और अगर आपको वो है तो क्या उससे आप क्या निजात पा सकते हैं। मैं आपको आज उसको निजात पाने की थेरेपी भी दे दूंगा, बहुत सिंपल सी, जो आपके घर के मसाले देने में आपको मिल सकती है। किसी ने बोला ब्लड प्रेशर इज अ प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर एक बीमारी है। डायबिटीज, और कोई बीमारी, एस्मा, किसी के चेहरे पे मुहासे ज्यादा आते हैं, एक्ने, पिंपल्स की कोई प्रॉब्लम है क्या, हेयर लॉस होता है किसी को, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, बताते जाइए, बोलते जाइए, डरिए मत। और कोई बीमारी आपको फील होती है जो है, सर्वाइकल, सर्वाइकल लिख दिया मैंने, पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, साइटिका पेन, बहुत तरह के पेन होते हैं शरीर में। और कोई, हेलो, एक्ने पिंपल्स लिख दूं, लड़कियों को बहुत होते हैं, एक्ने पिंपल्स से बहुत डर जाती हैं लड़कियां। ड्राई कंडीशन, ड्राई स्किन कंडीशन, सोराइसिस, फंगल इन्फेक्शन, और कोई, अगर आप डिस्कस करेंगे तो मैं आपको कुछ रेमेडी दे सकता हूँ जो आपके बहुत आसपास ही है, उस पर कोई खर्चा भी नहीं होगा, बताएंगे। एलर्जी, और कोई, अब यहां से निकले अगर अपन और अपने पास सोल्यूशन आपकी प्रॉब्लम का और ट्राई करें और उसके बाद बताएं कि वो ठीक हुई कि नहीं हुई। इनफर्टिलिटी इज अ प्रॉब्लम, तो यहाँ आने का आज के सेशन का अपना कुछ उद्देश्य साकार होगा। कैंसर एक प्रॉब्लम है क्या? 40% लोगों ने हाथ उठाया था। और इसके लिए कुछ ज्यादा नहीं करना, सुनना है चीजों को, और उसके बाद लगे तो पी सकते हैं, उसके बाद लगे तो बॉडी पे लगा सकते हैं, कुछ ज्यादा नहीं करना, और अपने आसपास ही इलाज है इसका। और किसी को कुछ, यही है सारी, इनके बारे में बात करें अपन, कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इसे। जॉइंट्स पेन, बॉडी में वीकनेस, वीकनेस, एडिनोफेटिक, आइज बर्न,
आई बर्न जॉइंट्स पेन जॉइंट्स पेन और किसी को कुछ पूछना है तो बात करें एक एक डिसीज के बारे में अपन, ठीक है, कि किससे हम इन चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर, आंटी आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, आपको प्रॉब्लम है ब्लड प्रेशर, कितने साल से आपको प्रॉब्लम? 10 साल से। आपका बीपी हाई रहता है या लो रहता है? हाई रहता है। आपका भी हाई रहता है, कितना रहता है आपका बीपी हाई? 150 और 140, 100। और आप दवाई लेती हैं इसकी बीपी की कंट्रोल करने के लिए? अच्छा, ठीक है। तो आंटी को ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, 140 150 इनका बीपी रहता है हमेशा, और आंटी योगा करती हैं और दवाई कभी कभी ड्रॉप कर देती हैं, ठीक है। आंटी आप दवाई अपने मन से ड्रॉप करती हैं या फिर आप भूल जाती हैं, या आपको लगता है कौन फालतू में खाए इन्हें? हाँ नहीं, एक चीज, पहली बात तो आपका डॉक्टर बोलता है कि अब आपको दवाई की जरूरत नहीं है। डॉक्टर कभी नहीं बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? वो जो आपका बीपी नॉर्मल रहेगा तो वो बोलना चाहिए उनको। अच्छा, देखिए क्या होता है, जब आप एक डिसीज से डायग्नोज होते हैं ना, तो वो जो दवाइयों का पैटर्न चालू होता है उससे बहुत सारी डिसीज लिंक चालू हो जाती है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं कि आप योगा सेंटर आते हैं, जिससे आपका बीपी नॉर्मल रहता है ऐसा आपको लगता है। मेडिटेशन से भी बीपी नॉर्मल रहता है, लेकिन एक और तरीका है बीपी को नॉर्मल रखने का। एक ऑयल है जिसको अगर आप सूंघेंगे नियमित रूप से, लेवेंडर का तेल, और एक और ऑयल है रोजमेरी का तेल, आपको ये दोनों ऑयल उपलब्ध हो जाएंगे। इसको अगर आप रेगुलर सूंघेंगे सुबह शाम या दिन में 4 बार, जब भी आप सूंघ रहे हैं इस ऑयल को सूंघेंगे तो आपका बीपी नॉर्मल रहेगा, और इस ऑयल के कारण बहुत सारी और तकलीफें दूर हो सकती हैं। लेवेंडर और रोजमेरी ऑयल, और ये पूरी तरह मेडिकली प्रूवन है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आता है जो लोग लेवेंडर को सूंघते हैं उनका, और नॉर्मल हो जाता है और दवाई से डिपेंडेंसी कम हो जाती है और एक दिन के बाद ख़त्म हो जाती है। लेकिन लेवेंडर को आपको कंटिन्यूसली सूंघना है, ज़्यादा हो सके तो लेवेंडर के बने हुए दूसरे प्रोडक्ट्स को अपनी लाइफ में लेकर आना है, ताकि उसका एक्सपोजर आपको बार बार होता जाए। तो सबसे पहले हमारा एक्सपोजर किस चीज़ से होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं, सुबह उठ के दांत साफ करते हैं, ठीक है, तो हमारा एक्सपोजर होता है टूथपेस्ट से। नंबर टू हम क्या करते हैं, नहाते हैं, शॉवर लेते हैं, तो हमारा एक्सपोजर होता है सोप से। नंबर थ्री हम अपनी बॉडी को तैयार करते हैं, तो हमारा एक्सपोजर होता है क्रीम से। नंबर फोर हम कुछ नाश्ता करते हैं, खाना खाते हैं, हमारा एक्सपोजर होता है फूड से, ठीक है। तो अगर हमने इस चीज़ को भी कंट्रोल कर लिया कि हम किस चीज़ से अपने दांत माँज रहे हैं, किस चीज़ को हम अपने शरीर पे लगा रहे हैं नहाने के लिए, किस चीज़ से हम बाल धो रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले बॉडी को एक्सपोज हम इन चीज़ों से करते हैं, ठीक है, किस चीज़ से हम अपने शरीर की देख रेख कर रहे हैं, हेयर ऑयल कौन सा लगा रहे हैं, खाना क्या खा रहे हैं, और उसके बाद सारे दिन हम किन चीज़ों के बीच में बैठ रहे हैं, ज़्यादा धुएं में रहते हैं, ज़्यादा धूल में रहते हैं, तो एयर एक्सपोजर क्या है, या घर में अपने कौन सा रूम फ्रेशनर लगाया हुआ है। जैसे अभी एक आर्टिफिशियल रूम फ्रेशनर की स्मेल मुझे आ रही है, थोड़ी स्वीटनेस इसमें लग रही है, ऐसा लग रहा है कि चलो पसीने से तो अच्छा है, लेकिन ये हार्मफुल है। इसी जगह अगर हम कोई पौधे से निकलने वाला अर्क उसमें डाल दें तो हमारी मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी और इम्यूनिटी हमारी बहुत लिफ्ट हो जाएगी। ये काम अंग्रेज लोग करते हैं और हम लोग वो करते हैं, जो वो गार्बेज वहाँ से फेंकते हैं हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं उस गार्बेज को, और यहाँ से जो ट्रेडिशन था वो लेके चले गए, तो वो वहाँ करते हैं। जब मैं था तब मेरे को ये बात पता चल गई। और सबसे बाद में सोते समय हम क्या एक केमिकल को बर्न करते हैं ऑल आउट के नाम पे, ठीक है, या फिर और कोई चीज़ हम यूज़ करते होंगे उसकी जगह, तो और
एयर फ्रेशनर अगरबत्ती वगैरह लगाते हैं हम लोग, तो अगर आपने इसको कंट्रोल कर लिया, क्योंकि ये एक्सटर्नल फैक्टर है, ये वो है जो हमारे को सीधे अंदर जा रहे हैं, सांस ले रहे हैं अंदर जा रहे हैं कि नहीं, ये केमिकल जो भी आपने कूलर वगैरह में डाला है सॉरी, ये सांस के द्वारा अंदर जा रहा है कि नहीं, अगर ये केमिकल हमारी शरीर को नुकसान करने वाला है, अगर है, और अगर नहीं है तो आप अपनी आंख में डाल के देख लीजिए, कल से आपको दिखना बंद हो जाएगा, क्योंकि ये सेंसिटिव है, सांस के द्वारा जा रहा है, ये स्लो पॉइजन है, आंख में डालेंगे ये हाई लेवल का पॉइजन हो गया, तो ये स्लो पॉइजन जो सांस के द्वारा शरीर में जा रहा है ये आपको अंदर से तोड़ रहा है, तो इसको हटाना है और ऐसे रूम फ्रेशनर को लाना है जो कि नेचुरल है, नेचुरल मतलब जो औषधि पौधों से निकलता है, और ऐसे बहुत से हैं जिसमें से एक लेवेंडर का तेल, एक रोजमेरी का तेल है, जिसको नियमित यूज करने वाले को ब्लड प्रेशर में बिल्कुल नॉर्मल होता है उसका, और नॉर्मल होते होते दवाइयों से डिपेंडेंसी खत्म हो जाती है। जब भी आप ब्लड प्रेशर आपका बड़ा हो, आपको अनकम्फर्टेबल फील कर रहा हो, आप कर रहे हो, उस समय तुरंत आप इसको सुन लीजिए, आप नॉर्मल हो जाएंगे। मैं कल पूरी रात सोया नहीं और आज मैं पूरे दिन धारा प्रवाह बोल सकता हूँ, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मैं फील नहीं कर रहा कि मैं थका हुआ, क्योंकि मेरे जेब में मूड अपलिफ्ट करने वाला संतरे का तेल मैं लेकर चलता हूँ। जब भी मैं थोड़ा लो फील करता हूँ मैं उसे सूंघ लेता हूँ, और मैं सुबह से यहाँ बैठे बैठे उसे सूंघ रहा हूँ, और मौका मिलता है तो मैं पी भी लेता हूँ। तो ये जो तेल है ये मेरे सीधे के सीधे जाके ब्रेन को एक्टिवेट करता है, और ब्रेन से पूरी बॉडी फंक्शनिंग करती है। मैं सारे दिन आज बोल सकता हूँ और बिना सोए मैं 7 दिन तक बोल सकता हूँ, क्योंकि ये तेल मुझे जिंदा रखे हुए, ये मेरे पावर को एनहांस कर रहे हैं, 10 गुना 100 गुना एनहांस कर रहे हैं मेरी पावर को। उसके पीछे के बायोलॉजी क्या है मैं आपको अभी नहीं बता सकता, समय का अभाव है, लेकिन आप मान के चलिए कि ये सब चीजें हमारी पौराणिक परंपराएं हैं जिन्हें हम भूल गए, लेकिन अंग्रेज अब इन्हें याद कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल रहा है। और पता क्यों चल रहा है, क्योंकि अमेरिका में भी सर्वे हुआ कि किन किन कारणों से मौत होती है, अमेरिकन की एवरेज किन किन कारणों से मौत होती है, तो हर तीसरा कारण उन्हें पता चला मौत का सबसे बड़ा वो दवाइयां है, फार्मास्यूटिकल्स। तो अंग्रेजों को ये बात समझ में आ गई कि फार्मास्यूटिकल्स से हमारी मौत हो रही है, तीसरा लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है अमेरिका में फार्मास्यूटिकल्स, मतलब कि दवाइयां हमें स्वास्थ्य नहीं देती, दवाइयां हमें बीमार करती हैं। तो फिर उन्होंने परंपराओं को खोजा कि ऐसी कौन कौन सी सिविलाइजेशन है जहां पर लोग लंबे लंबे समय तक जीते थे। तो सबसे ज्यादा कोई इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन है दुनिया में जिसके बारे में बहुत अध्ययन होता है, वो हड़प्पा सिविलाइजेशन है, जो भारत का सिविलाइजेशन है। आज वो पाकिस्तान में चला गया वो हिस्सा, उससे फर्क नहीं पड़ता, और उस सिविलाइजेशन के सारी चीजों का अध्ययन करते हैं कि लोग कैसे जीते थे और कितने साल तक जीते थे, तब पता चलता है कि उनकी मसालदानी में वो रहस्य छोड़ गए। मसालदानी में क्या छोड़ गए, अभी इसमें जो मसालदानी में छूटा हुआ है ना वो सब आपको कवर कर देगा और सारी बीमारियों से निकाल देगा। मसालदानी में हमारे पूर्वज क्या छोड़ गए वो रखी है मसालदानी, थोड़ा सा एक एक आइटम निकाल के बताओ क्या छोड़ के गए मसालदानी में। ये 4 आइटम है और ऐसे 40 आइटम हमारे घरों में यूज होता है। मसालदानी में ये चीज छोड़ गए, ये टेस्ट के लिए है या कैंसर को खत्म करने के लिए, बता सकता है कोई? ये चीज टेस्ट के लिए है या कैंसर के लिए? ये टेस्ट के लिए कि कैंसर के लिए? अगर ये टेस्ट के लिए तो अभी अभी थोड़ी थोड़ी दूंगा सबको, मुंह में खानी पड़ेगी और आहा बोलना पड़ेगा, चॉकलेट खाते हैं जैसे। ये टेस्ट के लिए कि कैंसर के लिए? टेस्ट हमने बिल्ड कर लिया, हमने अपने टंग का टेस्ट इसके अराउंड ढाल लिया, ये टेस्ट के लिए नहीं है, कैंसर के लिए। ये काय के लिए है? ये क्या चीज है? दालचीनी। ये काय के लिए? टेस्ट के लिए या डायबिटीज के लिए, शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए? बताएगा कोई? मैं रिसर्च के माध्यम से बोल रहा हूँ। टेस्ट के लिए नहीं है, टेस्ट के लिए नहीं है ये, तो फिर क्यों डालते हैं खाने में इसे? है नहीं, अंकल ने सही बोला, ये डायबिटीज के लिए, हमने अपना टेस्ट डेवलप कर लिया इसके अराउंड। ये काय के लिए? ये काय के लिए? लौंग। हाँ, सब लोग एक एक लौंग अपने मुंह में डालते, इससे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट दुनिया में पाया नहीं गया। जो आप टेबलेट्स खाते ना एंटीऑक्सीडेंट्स की, आजकल बहुत बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन की बहुत कमी है और हमारे अंदर फ्री रेडिकल्स घूम रहे हैं, जो हम ट्रांस फूड्स, ट्रांस फैट्स वाले फूड खा रहे हैं,
तेल का बहुत कंजप्शन कर रहे हैं, समोसे खाते हैं जिसमें तेल खूब अंदर जा रहा है, बार बार वही समोसा उसी गर्म उस तेल में गर्म हो रहा है, तेल अब ट्रांस हो चुका है, उसको नहीं खाना चाहिए, फेंक देना चाहिए, दड़ेल तेल है, एक बार गर्म होने का दोबारा, आज रिफाइंड तो 200 डिग्रीज में गर्म होता है, उसको हम खाते हैं। तो जो फ्री रेडिकल्स हमें अंदर से हमारे 100 साल की आयुष को बचपन में ला रहे हैं, वो फ्री रेडिकल्स उसको खत्म करने के लिए सबसे बड़ा उपाय, इससे ज्यादा संसार में बड़ा कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं है, इससे बड़ा कोई एंटीऑक्सीडेंट नहीं है। सारे रिसर्च के बाद पता चला कि जो इसकी जो एंटीऑक्सीडेंट की जो क्षमता जिस यूनिट में नापी जाती है इसकी लगभग 32,000 के आसपास है। ऑर्डिनरी एंटीऑक्सीडेंट 100-150 के आसपास होते हैं, जिस यूनिट में एंटीऑक्सीडेंट की कैपेसिटी को नापा जाता है ये 32,000 के आसपास पहुंचता है। ये इसलिए खाई जाती थी, हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट अवेलेबल ऑन द अर्थ। ये क्यों खाया जाता है? टेस्ट के लिए या बीमारियों को बचाने के लिए? दोड़ा, इलायची, सब लोग एक एक लौंग ने एंटीऑक्सीडेंट सब मुंह में रखेंगे, फिर अपन आगे की चर्चा करें। डायबिटीज के बारे में कौन जानना चाहता है कि हमें डायबिटीज ना हो, और होगी तो खत्म हो जाए। आंटी आपको डायबिटीज है क्या? आप में से किसी को नहीं, किसी को घर में डायबिटीज है? आपके घर में डायबिटीज है? मैंने अभी बताया आपको डायबिटीज के लिए एक हर्ब है जो हम लोग के इजीली अवेलेबल है, उस हर्ब का नाम है दालचीनी या सिनामन। ठीक है, आप चाहे तो लिख सकते हैं, जो लोग अपने भोजन में नियमित सिनामन का उपयोग कर रहे हैं और अपनी चाय कॉफी में भी डाल के पी रहे हैं उनको कभी भी डायबिटीज हो नहीं सकता, क्योंकि ये हार्मोन ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ठीक है, आप लोग अभी तक समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत है? लॉन्ग मुंह में है सबके, जलन कर रही है, एंटीऑक्सीडेंट है, बहुत बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है, डेली नियम से खाना चाहिए भोजन करने के बाद या पहले या जब भी आपका मन करे, एक दो लोग डेली खाना चाहिए। जी लॉन्ग गर्मी करता है, कोई रिएक्शन नहीं करता, गर्मी भी करे तो कोई दिक्कत शरीर के लिए है वो गर्मी, पर अस्थमा श्वास की प्रॉब्लम, ऐसे लिखते हैं श्वास में, मेरी हिंदी बहुत वीक है, इंग्लिश तो आती है, श्वास की प्रॉब्लम आस्मा। आस्मा में क्या होता है? आस्मा होता क्यों है? आस्मा होता है एलर्जीज के कारण, तो आस्मा की जब बात करेंगे एलर्जीज अपने आप आ जाएगा। एलर्जीज ट्रिगर क्यों करती है? जब धूल मिट्टी ज्यादा आती है हम उसको सूंघते हैं, वो धूल आके हमारे फेफड़ों की नलियों को ब्लॉक करती है, उसके अगेंस्ट में हमारे जो फेफड़े हैं उसकी नलियां सूख जाती हैं, उस स्वेलिंग होने के कारण ऑक्सीजन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, वो स्वेलिंग अगर परमानेंट हो जाए तो एस्मा है, स्वेलिंग परमानेंट ना हो, खांसी ज्यादा चले तो एलर्जी है। इस दोनों बीमारियों को दूर करने के लिए पहले तो एलर्जी को दूर कर देता हूं मैं तुलसी किसके आंगन की, अब तो उसके घर चली गई तो उसी के आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, तो मुझे इग्नोर मत कर, सबके आंगन में होना चाहिए तुलसी, क्योंकि तुलसी से क्या होता है एलर्जीज नहीं होती, और तुलसी से एक काम होता है हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाती है, 1000 बीमारियों को दूर करना है, एक तुलसी खा ली अपना सेवन बढ़ा दो तुलसी का, इतना पावरफुल है तुलसी से ज्यादा कोई चीज पावरफुल नहीं है। अगर आप एक बूंद तुलसी का तेल पूरे इतने बड़े इसमें डालते हैं डब्बे में, और डब्बा प्लास्टिक का ना हो, स्टील का होना चाहिए या फिर और किसी मेटल का, और उसमें एक बूंद तुलसी के तेल का डाल दें जो आपको यहाँ रखा मिल जाएगा लेके, और पूरा परिवार पिए और पूरे साल पिए, तो उस पूरे साल में कैलेंडर में आप टिक लगा लेना आप कितने बार बीमार पड़े पैथोजेंस के कारण, सर्दी जुकाम बुखार वाली बीमारी आपको कितने बार हुई या और भी कोई बीमारी आपको कितने बार हुई, पूरे परिवार का आप देख लीजिएगा, आप देखेंगे पूरा साल आपका आसानी से निकल गया, क्योंकि तुलसी का सेवन आप बहुत ज्यादा मात्रा में कर रहे थे।
एक बूंद पर्याप्त था पूरी टंकी में और पूरा परिवार पी रहा था और उसकी कोई कीमत नहीं है। अगर आप तुलसी का तेल नहीं सेवन कर सकते क्योंकि उसकी कीमत 80 रुपया आपको ज़्यादा लग रही है, तो तुलसी के पॉट घर में लगा लीजिए और जितने भी पॉट आपके यहाँ फ्री फालतू पड़े हैं सब में तुलसी के बीज डाल दीजिए, स्वयं से हो जाते हैं, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस पानी देते जाओ, खूब पत्तियाँ देंगे आप डेली, उसको तुलसी टी बनाइए और तुलसी टी पीजिए, ना शक्कर डालिए ना दूध डालिए कुछ मत डालिए, लेकिन तुलसी उबाल के पीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं, आप पूरे साल आप टिक लगा दीजिएगा, आप बीमार नहीं पड़ेंगे, क्रॉस ही लगा मिलेगा आपको पूरे सभी कैलेंडर्स में, जितने भी बच्चे हैं सबके कैलेंडर में इतनी पावरफुल है तुलसी, आपके घर में आसानी से मिलती है। आपको जॉइंट पेन हुआ है या सर्वाइकल पेन है, बेहतर तो ये है कि ना हो तो क्या चाहिए अपने को, विटामिन डी, और विटामिन डी कितना महंगा है, विटामिन डी कितना महंगा है, जी फ्री ऑफ कॉस्ट है, नहीं ये बहुत महंगा है, मेरे ख्याल से 300 रुपए का 50 ग्राम या 500-400 रुपए का 50 ग्राम, क्योंकि हम सनस्क्रीन लोशन लाते हैं कि विटामिन डी हमारे पे ना आ जाए और हम टैनिंग ना कर लें अपने शरीर पे, सनस्क्रीन लोशन जो पड़ते हैं और ताकि विटामिन डी ना आ पाए, तो ये इतना महंगा है 50 ग्राम 300 रुपए का, और भी महंगा, अलग अलग कंपनीज का अलग अलग, वो विटामिन डी नहीं है, विटामिन डी ना हो इसलिए वो प्रोटेक्शन है जिंक ऑक्साइड का, जिंक ऑक्साइड की लेयर हम अपनी चमड़ी पे लगा देते हैं, वो सन को आने नहीं देता है स्किन तक, बाहर के बाहर रिफ्लेक्ट कर देता है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है जिससे ये सारे बोन रिलेटेड डिसऑर्डर्स होते हैं और भी बहुत सारी बीमारियां सिर्फ विटामिन डी, हार्ट अटैक भी विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और सबसे ज्यादा फिट भारतीय क्यों होते थे, क्योंकि हमारे यहाँ हमेशा सूरज देवता की कृपा रहती है, हमें बड़ा बुरा लगता है कि हम सांवले हो रहे हैं, सांवला होना बुरा नहीं होता, सांवला होना बहुत बड़ी अच्छी बात है, मेरे विदेश में कितनी ही लड़कियां साल में अपने ट्रीटमेंट कराने जाती थी या फिर सांवले होने के लिए दूसरे देश जाती थी, 15 दिन 20 दिन बीचेस पे सनबाथ लेती थी, आके बोलती थी हम देख तेरे जैसे हो गए, हम क्या हम नेचुरली ऐसे हैं, तुमने इतनी मेहनत क्यों करी, क्योंकि उससे कैंसर नहीं होता, उस टैनिंग से कैंसर नहीं होता, सबसे कम कैंसर के पेशेंट भारत में मिलते हैं और जो मिलते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारा सनस्क्रीन लोशन लगाया होता है, इसलिए होते हैं कैंसर के पेशेंट, भारत में कैंसर स्किन कैंसर सबसे कम होता है दुनिया का, और जितने लोग हैं क्योंकि वो सनस्क्रीन लोशन लगाते हैं, इसलिए है क्योंकि सनस्क्रीन लोशन के अंदर जिंक ऑक्साइड और टाइटेनियम ऑक्साइड होता है, अगर आपको मुझे विश्व विश्वास ना हो तो आपके घर में जिस भी कंपनी का सनस्क्रीन लोशन हो उसको आप पलट के पढ़ लेना उसके इंग्रेडिएंट में क्या लिखा है, अगर जिंक ऑक्साइड या टाइटेनियम ऑक्साइड लिखा है तो उसको सीधे जाके गूगल करके देख लेना व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ टाइटेनियम ऑक्साइड, यू विल इमीडिएटली गेट टू नो इट इज रिलेटेड टू स्किन कैंसर, सो डू यू वांट दैट, कोई नहीं चाहता कि उसे स्किन कैंसर हो, बहुत ज्यादा तकलीफ वाली बीमारी है, तो पेन और सर्वाइकल या हड्डी से रिलेटेड पेन नहीं होगा अगर आपके शरीर विटामिन डी को अच्छी तरीके से कंज्यूम कर रहा है, और विटामिन डी का कंजम्पशन होता है क्योंकि सिर्फ स्किन बनाती है विटामिन डी, कोई भी नेचुरल चीज विटामिन डी आपको नहीं दे सकती, सिर्फ स्किन दे सकती है, तो जब आप सन के एक्सपोजर में जाते हो और आपको इमीडिएटली टैनिंग होती है, आप सांवले से लगते हो, उस समय साबुन से या किसी क्रीम से रगड़ रगड़ के अपनी टैनिंग को जाने मत देना, क्योंकि वो अमृत है, 24 घंटा लगता है उस टैनिंग को स्किन के अंदर एब्जॉर्ब होने के लिए, वो जो मेलानिन ने जो पिगमेंट क्रिएट किया है उससे जो विटामिन डी का सिंथेसिस हुआ है, वो पूरे विटामिन डी आपके स्किन पर बैठा हुआ है फोकट का, जो करोड़ों रुपए का है देखा जाए तो, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है नेचुरल विटामिन डी, तो उसको अंदर एब्जॉर्ब होने में 24 घंटा लगता है, अगर आपको मेलानिन को हटाना है सांवलेपन को कम करना है उसकी भी मेरे पास रेमेडीज है, लेकिन 24 घंटे के बाद उन रेमेडीज को अप्लाई करो, और वो भी मैं बता देता हूँ, अगर आप लेवेंडर ऑयल लें और सन टैन से आप टैन हो गए 24 घंटे मत करना, मेरी गुजारिश है, उसके बाद लेवेंडर ऑयल किसी भी करियर ऑयल में लेके आप जहाँ जहाँ टैनिंग हुई है आप लगा लें, लगाते लगाते आप देखेंगे टैनिंग चलेगी, ऑरेंज ऑयल भी एंटी टैनिंग है, आपने यूज भी करके देखा है, ऑरेंज ऑयल से भी टैनिंग रिमूव हो जाती है, वो तो ऊपर एक कोट है, वो नेचुरल कोट चढ़ा है, सन के प्रभाव में आने से नेचुरल कोट आ गया आपके स्किन के ऊपर, उस कोट को मत उतरने दें, वो
वो कोट बहुत अच्छा है, कम से कम 24 घंटे उस श्याम रंग को अपनाएं, उससे आपके शरीर में विटामिन डी अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगा, फिर आप टैनिंग को रिमूव कर दें, आपका नेचुरल कलर बाहर आ जाएगा, उससे ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं, बहुत अच्छी चीज़ है अगर ये होता है। लेकिन किसी को हो चुका है अर्थराइटिस पेन या सर्वाइकल में पेन, तो कौन सी चीज़ हमें उस पेन से उस दर्द से आज़ाद दिला सकती है, वो हल्दी जो उसमें रखी है उसके अंदर गुण है, एंटी कैंसरस तो है ही हल्दी, साथ में एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, और एक और चीज़ एंटी इन्फ्लामेटरी है जिसे हम कहते हैं गूगल का तेल, फ्रैंकिंसेंस ऑयल, ये दोनों तेल एंटी इन्फ्लामेटरी हैं, गूगल का तेल और हल्दी का तेल। अगर आप दो बूंद सुबह और दो बूंद शाम को पानी में पीते हैं, आपके अंदर के पूरे शरीर में कहीं भी सूजन हो, चाहे हड्डी से रिलेटेड हो या अदरवाइज पूरे शरीर में कहीं भी सूजन हो, पूरी तरह से खत्म हो जाएगी और आपकी बॉडी नॉर्मल हो जाएगी, सूजन आपकी खत्म हो जाएगी। तो एक तो ये बात है, अगर आपको फिर भी टॉपिकली अप्लाई करना है क्योंकि पेन में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और सर्वाइकल में बहुत दर्द हो रहा है और वो सहन नहीं हो रहा, तो हल्दी का तेल और फ्रैंकिंसेंस का तेल, किसी भी करियर ऑयल मतलब खोपरी का तेल या बादाम का तेल या ऑलिव का तेल, जो भी आपके पास अवेलेबल हो उसमें डाल के आप उस एरिया को मालिश कर दें और आप धीरे धीरे देखेंगे इन्फ्लामेशन कम हुई, दर्द खत्म हुआ। बाम से भी आप विद्यांजलि की यूज कर सकते हैं। माइग्रेन, माइग्रेन की कंडीशन में, क्योंकि माइग्रेन एक सिस्टमिक पेन होता है, किसी किसी इंटरवल में आता है, किसी चीज के कारण वो ट्रिगर होता है, लेवेंडर एंड रोजमेरी ऑयल बोथ आर वेरी गुड फॉर माइग्रेन। हेडेक के लिए जैसे मैंने आपको पहले बोला था, हेडेक के कारण को जाना, पेट साफ नहीं हुआ इसलिए हेडेक होता है, माइग्रेन तो सिस्टमिक प्रॉब्लम है जिसको होता है वो तड़पता है, लेवेंडर के ऑयल से मैंने माइग्रेन के पेशेंट्स ठीक किए। लेकिन किसी को अगर सिस्टमिक नॉर्मल हेडेक कभी हो जाता है तो देखें कि खाने में कुछ गलत आ गया क्या, या हमारा पेट साफ अच्छे से नहीं हुआ क्या, या हमने नींद अच्छे से नहीं ली क्या, क्या रीज़न है, और उस रीज़न को जाने, उस रीज़न को दूर करेंगे तो वापस से हेडेक खत्म हो जाएगा। लेट्स गो टू एसिडिटी। आजकल सब लोगों का बॉडी एसिडिक है और स्टमक तो पूरी एसिडिक है क्योंकि हमारा खान पान बहुत गड़बड़ हो गया है। हम लोग शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन करते हैं, जबकि हमारी परंपराएं, मैं जैन परंपराओं की बात नहीं कर रहा, सनातन परंपराएं में निशाचरी महापापी बोला है, निशाचरी महापापी, निशाचरी मतलब निशा, निशा मतलब क्या, रात में खाने वाला महापापी है। क्यों बताया सनातन धर्म में, क्योंकि दिन में खाने का उन्होंने प्रोत्साहन किया कि आप दिन में खाओ। दिन में क्यों खाना, क्योंकि सूरज की गर्मी से आपका पेट में मेटाबॉलिज्म सबसे बेस्ट होता है। अगर आप संध्या काल में भोजन कर लेते हैं उसके पहले और आप सुबह तक भोजन ना करते, आपके शरीर में बहुत सारी बीमारियां अपने आप ही नहीं आएंगी। अगर आपने भोजन को सही समय पर लिया, और विश्वास ना हो, आज इस क्लास के बाद आप एक महीने या 15 दिन इस चीज को करके देख लेना, सायंकाल के बाद भोजन मत करना जब तक कि सूर्योदय ना हो। मैं किसी धर्म की पुष्टि